नमस्कार बी न्यूज़ के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दुषाप सभी का स्वागत करती हूँ भारतीय नौसेना का इतिहास बहादुरी के कई कारनामों से भरा पड़ा है जो हर पल देश की जनता को गौरवान्वित रोमांचित करता है तो भारत में नौसेना की स्थापना पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने जहाजों की रक्षा के लिए 1612 में की थी और 1950 में इसका पुनर्गठन भी किया था लेकिन उन्नीस के बाद हर साल चार दिसम्बर की तारीख को भारतीय नौसेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस 1971 के उस युद्ध में पाकिस्तान पर मिली फतह की याद में मनाया जाता है जब भारतीय युद्धपोतों ने पाकिस्तानी युद्ध जहाजों को निशाना बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान जब पाकिस्तान की ओर से भारतीय हवाई ठिकानों को निशाना बनाया गया तो भारत ने भी इसका पुरजोर तरीके से जवाब दिया था पाकिस्तान की ओर से तीन दिसम्बर उन्नीस की शाम को भारतीय हवाई ठिकानों पर हमले किए गए जिसके बाद 25वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्राइन को तीन मिसाइल युद्धपोतों निर्घट वीर और निपात को अधिकतम रफ्तार के साथ कराची की ओर भेजने का आदेश दिया गया ये युद्धपोत 4 दिसंबर की मध्यरात्रि से पहले ही पाकिस्तानी युद्ध जहाजों को निशाना बनाने में सफल रहे जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी विध्वंसक खैबर माइन स्वीपर मुहाफिज और एमवी विनस चैलेंजर के साथ साथ कियारे के तेल क्षेत्रों को भी नष्ट कर दिया गया कराची पर सात और आठ दिसंबर को पश्चिमी सीमा से फिर हमला हुआ एन विनाश ने चार मिसाइलें दागी जिसने एमवी गल्फ स्टार एम वी हेरमेटन और पीएन टैंकर डक्का को नुकसान पहुंचा और इस तरह भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी बलों पर विजय पाई उसी की याद में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है सिनेमा में कुछ अभिनेता कम ही हुए हैं जिन्होंने मौलिक अभिनय यानी नेचुरल एक्टिंग के सहारे कामयाबी हासिल की इस श्रृंखला में मोतीलाल प्रमुख है जिन्हें हिंदी सिनेमा का वास्तविक अभिनेता कहा जाता है उनके खाते में अनेक अच्छी फिल्में दर्श है आज के दिन यानी 4 दिसंबर 1910 को उनका जन्म हुआ था क्या कोई समाज किसी ऐसी घटना की कल्पना कर सकता है जिसमें पति की मौत के बाद उसकी जीती जागती पत्नी को जलने के लिए मजबूर किया जाए और इसे प्रथा का नाम देकर सही भी ठहराया जाए सती प्रथा एक ऐसी ही कुप्रथा थी जिसमें पति के निधन के बाद उसकी पत्नी को उसकी चिता में जीते ही झोक जी दिया जाता था और भारत में व्याप्त इस कुप्रथा को खत्म करने का श्रेय अंग्रेज वायसराय विलियम बेंटिक को जाता है जिन्होंने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा पर रोक लगा दी आज के दिन भारत में सती प्रथा का अंत हुआ था तब वायसराय लॉर्ड विलियम बैंटिक ने इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय को बुलाकर उनसे मशविरा किया इस संबंध में कानून बनाकर सदा के लिए सती प्रथा को बंद कर दिया तीन दिन के भीतर ही इस कानून का आदेश मजिस्ट्रेटों के पास भेज दिया गया इससे पहले राम मोहन राय सती किए जाने की क्रूरता से बाल्यवस्था से ही परिचित थे जब उनके बड़े भाई की विधवा को उनकी आंखों के सामने बलपूर्वक सती किया गया था अंग्रेज शासक इस प्रथा को बुरा मानते थे पर उनको डर था कि इसमें हस्तक्षेप करने से शायद इस देश में अशांति फैल जाएगी और उनके साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा इसलिए उन्होंने पंडितों से सहमति लेकर ये आदेश दिया कि सती होने वाली स्त्री से यह मालूम कर लिया जाए कि वह अपनी इच्छा से सती हो रही है या नहीं सती प्रथा के अलावा विलियम ने कन्या शिशु वध पर रोक लगाई थी उन्होंने भारतीय सेना में प्रचलित कोडे लगाने की प्रथा भी खत्म कर दी थी पुरुष प्रधान समाज में फैली ज्यादातर कुप्रथाए महिलाओं पर अन्याय को बढ़ावा देती है भारतीय समाज भी इससे अछूता नहीं रहा और इसमें भी बहुत सी कुप्रथाएं का वजूद रहा सती प्रथा भी एक ऐसी ही कुप्रथा थी जिसमें पति के निधन के बाद उसकी पत्नी को उसके चिता में जीते जी झोंक दिया जाता था भारत में व्याप्त इस कुप्रथा को खत्म करने का श्रेय अंग्रेज वायसराय विलियम बैंटिक को जाता है जिन्होंने 4 दिसंबर उन्नीस को सती प्रथा पर रोक लगा दी मोतीलाल हिंदी सिनेमा के अभिनेता थे उन्होंने हिंदी फिल्मों को मेलोड्रामाई संवाद अदागाई और अदाकारी की तंग गलियों से निकालकर खुले मैदान की ताजी हवा में खड़ा किया उन्होंने परख वक्त लीडर देवदास जागते रहो जैसी कई फिल्मों में काम किया 1950 के बाद मोतीलाल ने चरित्र नायक का चोला धारण कर अपने अद्भुत अभिनय की मिसाल पेश की विमल राय की फिल्म देवदास में देवदास के शराबी दोस्त चन्नी बाबू के रोल को उन्होंने लार्जर देन लाइफ का दर्शा दिलाया उनको फिल्म देवदास और परक के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला मोतीलाल का जन्म 4 दिसंबर 1910 को शिमला में हुआ था उनके पिता एक प्रख्यात शिक्षाविद थे बचपन में उनके पिता का देहांत हो गया जिसके बाद उनके चाचा ने उनका पालन पोषण किया मोतीलाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिमला के अंग्रेजी स्कूल से प्राप्त की इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली में उच्च शिक्षा हासिल की कॉलेज छोड़ने के बाद वे बंबई में नौसेना में शामिल होने के लिए आए लेकिन बीमार होने के कारण परीक्षा नहीं दे पाए उन्नीस में 24 साल की आयु में उन्होंने सागर फिल्म कंपनी में शहर का जादू फिल्म के लिए नायक की भूमिका की पेशकश की गई। बाद में उन्होंने सबिता देवी के साथ साथ कई सफल सामाजिक नाटक में विशेष रूप से डॉक्टर मधुरिका और कुलवधु में काम किया बीसीएन न्यूज़ के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़ नमस्कार